जैसे कि मैं हूँ अरबाज मलकासी। तो आज हम लोग को इनविटेशन था बलाना ग्रिल पे इफ्तारी का, तो हम लोग आए हैं बलाना ग्रिल पे इफ्तारी करने। तो अभी चलते हैं हम लोग अंदर की तरफ। लेट भी बहुत हो गया है हमें, अभी जाते हैं अंदर। और हम थोड़े नींद से लेटे थे कि सुबह में एक काम तुम दोनों कम उतर गए थे, इस वजह से अभी मुझे गालिब भाई नींद सुटाया, मैं सोया हुआ था, अभी आए थोड़ा अंदर। आप लोगों से अंदर अफ्तारी भी करते रहे और थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर आप लोग उस पर। अमल भाई किधर थे इतना दिन? आप यार जानी अफ्तारी में की भूख लगी है फिलहाल। यार भूख लगा, मुझे भी सख्त लगी है, मेरा भी हालत फुल डाउन हो रहे। तो आप ये बताओ इतने दिन किधर घूम थे? बिल्कुल लिफ्ट नहीं था, और मैं आपको बोल रहा था अच्छा नहीं किधर ब्लॉग बनाने, इतने टाइम हो गया ब्लॉग नहीं बनाया। तो आप बिल्कुल शार्ट थे, पता नहीं किधर घूम। यार जानी घूम नहीं था, आपको पता है रमज़ान है यार, बड़ा सुस्त हो जाता है, नमाज वगैरह भी होती है, फिर उसके बाद जानी थोड़ा जिक्र वगैरह भी करते हैं, तो फिर जानी नींद भी पूरी करनी होती है, चैन नहीं मिलता। और आप जानी इतने दिनों से मैं आपको बोल रहा था कि चलो अफ्तारी के बाद भी चलते हैं, रात के टाइम व्लॉग बनाते हैं, आप कहते नहीं ऐसा होगा फिर ऐसा होगा। उसके बाद तो तरावी पढ़नी होती है, तरावी जानी बिल्कुल होती है, तरावे के बाद तरावे से पहले एक बार हम लोग पटाखे होती है, सुबह हम लोग जाना होता है जॉब पे, फिर हम लोग किधर जा सकते हैं? जॉब जॉब करते हैं, बैंक में जाते हैं, सारा दिन कैश का काम करते, पर नींद भी ज़रूरी होती है। बस जानी यार मसरूफियात बहुत थी, लेकिन देखो जिस तरह अल्लाह को मंजूर था ज़बरदस्त व्लॉग भी अभी इंशाल्लाह बनेगा हमारा, इधर आ गए हैं। जब तक अल्लाह जब तक नहीं चाहता, जब तक नसीब नहीं होता, तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल यार, मेरे ख्याल से एक महीने ज़्यादा हो गया मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। मेरे भी जो 3 हफ्ते हो गए। आपने एक व्लॉग से नहीं बनाया? आप जो कहते आपने बनाया हुआ है, मैंने दोस्तों के साथ गया, दूसरे दोस्तों के साथ व्लॉग बनाया हुआ, पर मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, पर मैंने जो एडिट नहीं किया हुआ है, एडिट नहीं किया, टाइम नहीं मिलता है। लॉकडाउन की वजह से जो बैंक का टाइमिंग भी इन लोगों का ऐसा अजीब हो गया, काम बहुत रश होती है बैंक में, क्या बताऊँ आपको, टाइम ही नहीं मिलता है। वहाँ थका हुआ आता हूँ सुबह को, जाओ वहाँ पर रोज़े में लोग आते, लोग ऐसे बात करते जैसे रोज़ा रख के उन लोग के ऊपर एहसान किया हुआ है। हाँ ना, ऐसी बातें करते, ऐसे नखरे दिखाते जैसे रोज़ा रखे लोगों ने, हम लोग परेशान किया, हम लोग भाई हम लोग भी काम कर रहे हैं, हम लोग भी तो थोड़ी इमोशनल नहीं हो। अभी देखो बेचारा जॉब कर रहा है आजकल, बहुत इमोशनल है, बस अभी नहीं जॉब मिली क्या करें से, मैं क्या करूँ खुशी से, इसका वो हाल हो गया है। अभी इंशाल्लाह थोड़ा सा 5 मिनट आपकी इतना झुक गए, रोज़ा लगा हुआ है, वो नहीं होता लास्ट लेवल का। अच्छा एक मजे की बात बताऊँ ना, अभी 6 बजे थे गालिब भाई मेरे पास आए, अभी मुझे बोलते चलो अफ्तारी करना है, मैंने कहा चलो चलते हैं कभी अफ्तारी करने। हम इधर आ गए, अजान जो है 7:20 पे होती है, 7:06 के 7 मिनट मुझे बोलता है यार आप अजान होते जल्दी चलो। मैं इधर आया और दुआ स्टार्ट, मुझको देख रहे अपना व्लॉग बना रहे हैं, मैंने कहा क्यों अजान, जब मैं चैन देख रहा 15 हो गए हैं, 7:15 मैंने कहा अफ्तारी नहीं करी तुमने, तो कोई अफ्तारी की चीज़ वगैरह भी नहीं। बोलते उठती अजान 7:20 पर है, इतना गेमदार इंसान है। आपने जो है इसके ब्लॉग को छोड़ दीजिए, मेरा ब्लॉग देखो ना, आप देखेंगे ना, दोनों को देखेंगे, सिर्फ आपको देखेंगे, पर मैं घर जाऊँगा जानी। आप ना ऐसे करो, जब मैं सो गया फिर आपका प्रमोशन करूंगा, फिर जो अगर सिर्फ आपको देखे कि फिर मुझे बस मैं ये ब्लॉगिंग छोड़ूंगा, फिर मैं बैंक में काम करूंगा सारा दिन। नहीं नहीं जानी, आपके बगैर हमारा ब्लॉग का फायदा क्या? आप ब्लॉग नहीं बनाओगे फिर हम भी नहीं बनाएंगे जानी, इस तरह नहीं होगा। और आपको बताता चलूं इंशाल्लाह ईद का जो ब्लॉग होगा स्पेशल, मैं अपने 100% दूंगा आप लोग को स्पेशल ब्लॉग। किधर लेके जाओगे मुझे ईद पे? यार ईद पे जो पहला ब्लॉग होगा वो पिकनिक का नहीं होगा, वो मैं दिखाना चाहता हूँ कि हम क्वेटा वाले कैसे ईद मनाते हैं। सुबह उठ कर नमाज के लिए जाएंगे, नमाज के बाद आके घर वालों से मिलकर उसके बाद कज़न वगैरह के घर जाएंगे, उनसे मिलेंगे। इस तरह मैं आप लोग दिखाऊंगा कि हमारा क्वेटा में जो हमारे फैमिली है, थोड़ी बड़ी फैमिली है, हम इधर उधर सब हर जगह जाते हैं, मैं सारे छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाऊँगा आप लोग दिखाऊँगा, आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है।
इंतजार करें मेरे ईद के ब्लॉग के लिए। वो तो आप जाओगे ना अपने रिश्तेदारों के पास, कजन के पास, मेरे तो मेरा यार। और आप पिकनिक के लिए जाएंगे, पिकनिक बनाओ ना यार। पिकनिक पे तो आप पहले दिन बोल रहे हो नहीं जाएंगे, पहले दिन नहीं होगी जानी, पहले दिन मेरे तो रिश्तेदार यहाँ पे रहे ही नहीं, मेरे रिश्तेदार तो सारे सर, मैं यहाँ पे अकेला। बात सुनो ना, आप पहला दिन रोडों में घूमो ना, तो लोग रोडों में घूमते, मतलब मैं मेलों में चक्कर लगा, ऊंट पे बैठ। बात सुनो, एक मोटरसाइकिल लो, बस घूमो बेटा। इंशाल्लाह ईद के तीसरे दिन हुआ या चौथे दिन हुआ, पिकनिक पर जाएंगे। अभी आप तैयार हो जो पिकनिक के लिए चलते हैं किधरी, उधर के ब्लॉग भी बनाएंगे। और हाँ, एक बात आपको बताऊं मैं, ईद के बाद जो ब्लॉगिंग है और फास्ट करने भी, देख रोजों में अभी रोजों में सुस्त हो गए थे, काम भी ज्यादा हो गया था, और रमजान में जो हम लोग की जो अब टाइमिंग इस तरह, और वॉच टाइम को बताओ यार, वॉच टाइम हमें दो यार, आप लोग वॉच टाइम नहीं दे रहे, वॉच टाइम सिर्फ वॉच टाइम अभी हम लोग का सिर्फ 500 है, अभी जो मेरे 1500 सब्सक्राइबर है और सिर्फ 500 वॉच टाइम है, वॉच टाइम देंगे फॉलोअर्स पे, बहुत ज्यादा उम्मीद है, एंड तक इंशाल्लाह हम लोगों को सपोर्ट करो ताकि मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए। अजान का टाइम हो रहा है, मुझे भूख लगी अजान में, मेरे को मैं देखो कितने टाइम, मेरा मोबाइल तो आप व्लॉग बना रहे हो यार, ये 8:00 बोल रहा हूँ, यानी 3 मिनट रहते हैं। चलो अभी हम लोग चलते हैं इफ्तारी का, इफ्तारी करते हैं। करें तो उसमें थे पास्ता थे, चाइनीज ग्रेवी थी, राइस थे, वेजिटेबल चाउमीन थे, और जो थी इसमें हम लोग को इन्होंने जो स्पेशल हम लोग के लिए बनाया था मिंट मार्गरेटा, ये हम लोग के लिए स्पेशल इन लोगों ने बनाए, तो अभी हम लोगों ने बहुत खा लिया, तो अभी हम लोग भोगफुल। तो इन लोग का मैं टेस्ट की बात करूँ, टेस्ट तो इन लोग का इतना अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त इन लोग का टेस्ट है, और खास करके इन लोग का जो चाउमीन है वो इन लोग की टेस्ट इन लोग इतनी अच्छी है कि बिल्कुल बात ही अलग है, मुझे भी पसंद है इन लोग ये चीज़ें, और जो यहाँ का जो टेस्ट है वो तो बिल्कुल ही अलग था। तो आप लोग भी यहाँ पर ज़रूर आएँ, यहाँ पर विज़िट करें, यहाँ पर आप लोग की इफ्तारी करें, सहेली का भी यहाँ पर
और दूसरी बात मैं बताता हूँ चलूँ कि यहाँ पर जो है मेल जेंट्स का जो है अलग पार्टीशन है और फीमेल्स की जो है अलग पार्टीशन है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर माहौल भी यहाँ पर अच्छे है, तो आप लोग अगर सिर्फ फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं तो यहाँ पर सेपरेट प्लेस है बैठने की, और अगर सिर्फ आप जो है लेडीज़ आ रही है तो उनकी भी सेपरेट प्लेस है, मेल आ रहे हैं तो उनकी भी सेपरेट प्लेस है, तो माहौल भी यहाँ का बहुत अच्छे है, तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें, आप लोग को भी ज़रूर इंशाल्लाह पसंद आएगा और इन लोग आप लोग को टेस्ट भी ज़रूर पसंद आएगा, और जो इन लोग के रेट्स भी हैं वो रेट्स भी इतने हाई नहीं, नॉर्मल रेट है सिटी के हिसाब से, तो इंशाल्लाह आप लोग भी ज़रूर विज़िट करें यहाँ पे, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।